धतकीटी स्थित रवि बेकरी के पास गुरुवार की सुबह स्थानीय एक विकलांग व्यक्ति की लाश देखकर लोगों में खलबली मच गई। आखिर एक विकलांग की हत्या क्यों की गई और किसने की, पुलिस इन तथ्यों को खंगालने में लगी हुई है। गुरुवार की तड़के ही धतकीटी के रवि बेकरी के पास 46 वर्षीय एक विकलांग व्यक्ति की लाश देखी गई। उसकी हत्या पत्थर से कुचल कर की गई थी। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। मृतक की जेब से कुछ रुपया भी बरामद किया गया है, जिसे उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया है। सूचना के अनुसार विगत दिनों इस व्यक्ति के कानों को भी काट दिया गया था, जिसका इलाज MGM में कराकर वो अपना घर ही लौटा था। आखिर एक अक्षम की हत्या क्यों और किसने की, पुलिस इन तथ्यों को खंगालने में जुटी हुई है। स्थानीय एक व्यक्ति से हमने बात की। इसके साथ 15 दिन पहले भी इसका कान में पत्थर से मारा गया था, मगर हम लोग समझे थे कि कोई जानवर इसको काट उठ लिया, गरीब आदमी रोड पे सोता है, कोई काट लिया। मगर पैसा छीनने के लिए पहले भी बात हुआ तो हमारा यहाँ का टेम्पो, लकड़ी का टेम्पो ड्राइवर लोग सब मिल के इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जब भेज रहा था, इसके कमर से 3000 रुपये निकला, 3000 रुपये इसके भतीजे को दिया गया। इसका इलाज करा के 10 दिन इलाज में था, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज होके ही आया है। पैसा छीनने के लिए ब्राउन शुगर वाले, हीरोइन पीने वाले, कोरस पीने वाले लोगों ने रात को इसको पत्थर पटक के सीना में इसका पैसा ऐसा लूट लिया, इसका मर्डर कर पत्थर से, बड़ा पत्थर से पटक दिया सीना में, मुंह में इसका। लियाकत अली नाम है ये, देखते हम लोग इसको जांच कर रहे हैं, तो गेम कराने के बाद नहीं बोल पाए। जमशेदपुर अभिभावक संघ का धरना चौथे दिन भी जिला मुख्यालय के सामने जारी रहा। ठंड के कारण धरने पर बैठी 3 महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई, उन्हें आनंद फानन में MGM अस्पताल पहुंचा दिया गया। निजी स्कूलों द्वारा बस सेवा शुरू करने, रैंडमली लॉटरी प्रक्रिया को अभिभावकों के सामने करने एवं BPL बच्चों के लिए अब तक फॉर्म नहीं देने के विरोध में जमशेदपुर अभिभावक संघ का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। बुधवार को मुख्यमंत्री आवास के प्रतिनिधि भी इनसे मिलने पहुंचे थे, इनके मांगों को जायज भी ठहराया था, पर समाचार लिखे जाने तक कोई प्रशासनिक पहल नहीं हुई थी। धरना स्थल पर बैठी 3 महिलाओं की स्थिति खराब होते देख इन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। मीडिया को देख आनंद फानन में डॉक्टरों ने बीमार महिलाओं को जुगाड़ तंत्र के माध्यम से सलाइन चढ़ाने का प्रबंध किया। आंदोलनकारी का तबियत खराब हुआ महिलाओं का, चंदना बनर्जी, राधा जमको और गुरुवती का, गुरुवती का कल भी तबियत खराब था, आज फिर तबियत खराब हो गया। मेडिकल टीम जांच के लिए आई थी, मेडिकल टीम सुबह आई थी और उसके बाद जो है जाने के बाद जो है 1 घंटे के बाद वोमिटिंग होना शुरू हो गया महिलाओं का। अभी इनको अस्पताल भेजा जा रहा है, अभी MGM अस्पताल भेजा जा रहा है। तो प्रशासन की ओर से कोई वार्ता करने, प्रशासन की तरफ से कोई वार्ता करने नहीं है, न यहाँ पर मजिस्ट्रेट डेप्यूट किया गया है। जो 3 पाली में मजिस्ट्रेट डेप्यूट किया जाता है वो डेप्यूट नहीं किया गया है और सुरक्षा की स्थिति में हम लोग हैं। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। तीनों जिलों के ASI को दरोगा बनाने के प्रोन्नति संबंधी एक बैठक DIG RK धान के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में SSP अनुप जी मैथ्यू, रूरल SP शैलेंद्र सिन्हा, सरायकेला के SP इंद्रजीत मेहता, चाईबासा SP माइकल राज भी उपस्थित थे। बैठक में तीनों जिले के कुल 151 ASI को दरोगा बनाने की लिस्ट तैयार की गई है। लिस्ट गुरुवार को पुलिस मुख्यालय भेजा जाएगा, इसकी जानकारी कोल्हान DIG RK धान ने दी। सर्किट हाउस में तीनों जिलों के ASI को दरोगा बनाने के लिए प्रोन्नति संबंधी बैठक DIG के नेतृत्व में आयोजित की गई थी। क्षेत्रीय पुलिस प्रोन्नति कमेटी की बैठक हुई जिसमें 151 जमादारों का ASI 151 का सब इंस्पेक्टर में प्रोन्नति पर, प्रमोशन पर विचार किया गया, अनुशंसा किया गया कि उनको प्रोन्नति की जाए उनके रिकॉर्ड के अनुसार। इसमें मेंबर थे हम लोग के जो कमेटी है उसमें सीनियर SP जमशेदपुर, रूरल SP जमशेदपुर, सरायकेला SP, ये हमारे अध्यक्षता में। पोस्टिंग कब तक हो रही है अभी? इनकी प्रोन्नति के लिए अभी हम लोग अनुशंसा कर दिए हैं, इसमें इसी महीने में संभवतः इसी महीने में इनका प्रोन्नति पर मोहर लगेगा, हेडक्वार्टर में भी इसको लिखा जाएगा। हम लोग इनकी अनुशंसा, जैसे भी वो लोग समझ,
होती है।